हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने ऐसे डायग्राम्स के बारे में स्टडी किया था, दोज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस, मतलब ऐसे डायग्राम जिनका बेस कॉमन होना चाहिए और दोनों लाई करेंगे दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। आज हम ऐसे केसेस स्टडी करेंगे जहाँ पे ये दोनों केस फॉलो नहीं होते हैं, तो ऐसे डायग्राम हमें कैसे मिल सकते हैं और उसके लिए हमें क्या कैलकुलेशन करना होगा और कैसे हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेम पेज या सेम पैरेलल पे नहीं है, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे मैंने कहा, हम ऐसे डायग्राम देखेंगे जो उसका बेस शायद कॉमन हो पर पैरेलल के बीच में ना हो, या तो पैरेलल के बीच में है पर बेस कॉमन ना हो। तो ऐसे डायग्राम के लिए कुछ डायग्राम्स को हम स्टडी करते हैं ताकि हम लोग इसके लिए आंसर कैलकुलेट कर सकें। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं दो डायग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन डायग्राम लेते हैं ताकि हम इसे कैलकुलेट कर पाए क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है पी क्यू आर और डायस है डी क्यू आर। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके। अब देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्यू आर कॉमन है, बट जो डी पॉइंट है वो पैरेलल लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली ई एफ जी एच और एम एन जी एच, दोनों का बेस ये कॉमन है बट अगेन दोनों चारों पॉइंट एक कॉमन, ये चार जो पॉइंट है वो कॉमन लाइन पे नहीं है। सिमिलरली ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ये भी दो पैरेललोग्राम है बट अगेन ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो बेस के ऑपोजिट में जितने भी पॉइंट है वो एक लाइन पे होने चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा केस फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि दिस डायग्राम्स आर हैविंग सेम बेस बट डोंट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इन सब के बारे में आप ये स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि क्या होगा, मैंने बताया वैसे कि यू कैन नॉट से दैट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड डी क्यू आर ऑफ द फिगर 9.61 लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एल एंड क्यू आर। पता चल गया कैसे होगा। सिमिलरली यू कैन नॉट से that parallelogram EFGH and MNGH of the figure 9.6 second one lie between the same parallel EF and HG, and that parallelograms ABCD and EFCD of figure 9.63 again lie between the same, don't lie between the same parallels ए बी एंड डी सी। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग केसेस को देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक लास्ट केस है जो पैरेललोग्राम के बीच में तो आ रहा है ई एफ और डी सी, बट ई एफ और डी सी एक लाइन में नहीं है। मैंने कहा था एक कॉमन लाइन पे फॉलो होना चाहिए, इसके लिए वो केस होता है कि सेम बेस तो है बट डोंट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें क्या होगा नेक्स्ट केस में जो यहाँ पे हमें देखना है। सो it should be clearly be noted that out of the two parallels one must be the line containing the common base and अब आगे बात करते हैं कि मैंने बताया जैसे कि मतलब जो दो पैरेलल होगी उसमें से एक पैरेलल आपका बेस होना जरूरी है, तभी जाके आप इसे बता सकते हैं। चलिए आगे के केसेस में देखेंगे अब क्या होगा। जैसे कि कुछ और डायग्राम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अब ये दो डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो डायग्राम ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं, दूसरा है डी बी ई ट्रायंगल है, डी बी ई ट्रायंगल है। अब ए डी और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस तो है बट देखिए इसका बेस होगा बी सी और दूसरे का बेस क्या है आपके पास बी ई। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस में दो बेसिस हैं, पहला बेस मैंने बताया वो क्या होगा बी ई बेस होगा, देखिए ये वाला बेस जो मैं डार्क ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, और जो दूसरा बेस होगा वो होगा इसके ऊपर ओवरलैप करने वाला बी सी। तो बेस कॉमन नहीं है बट बी सी और एम लाइन क्या होगी एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। सो अगेन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल बट अगेन यू कैन से दे डोंट हैव कॉमन बेस। सिमिलरली पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है तो ए बी सी एक ट्राइंगल है। चलिए अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो ये दोनों क्या होगी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस, मतलब पी क्यू पी एस और क्यू आर क्या होगे एक दूसरे से पैरेलल।
तो ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम लाई बिटवीन अगेन सेम पैरेलल, पर अगर मैं इसे पैरेललोग्राम का बेस कहूँगा ये पार्ट को, तो बी सी हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है बी सी वो हो जाएगा ट्राइंगल का पार्ट। तो अगेन देख सकते हैं पैरेललोग्राम का बेस और ट्राइंगल का बेस इक्वल नहीं है ऐसे केसेस में, मतलब ये ऐसे केसेस होंगे जिसमें लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स तो है बट अगेन दे डोंट हैव सेम बेस। सो अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट डेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी ई ऑफ फिगर 9.71 आर नॉट ऑन द कॉमन बेस एंड सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ऑफ फिगर 9.72 आर ऑल्सो नॉट ऑन द सेम बेस। तो ये दोनों सेम बेस पे नहीं है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों केसेस में ऐसा मिलेगा जहाँ पे दोनों बेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों डायग्राम आपको बता रहे हैं कि वो सेम बेस पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा डायग्राम सेम बेस पे होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके लिए भी। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना है डायग्राम देखिए कि दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग कॉमन बेस, यस और नो में बस आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं ऐसे डायग्राम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इनमें से कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ आपको येस और नो में आंसर देना है और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि करके डायग्राम। सबसे पहला फिगर एक गया ने आपको इस तरीके से देखिए क्या दिख रहा है, आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा ए बी सी डी और एक ट्राइंगल दिख रहा है पी सी डी। अब देखिए दोनों पैरेलल होती है तो ये दोनों पैरेलल के बीच में लाई करेंगे और कॉमन बेस क्या है सी डी है यहाँ पे, सो यू कैन से हियर कि येस इट इज़ ट्रू। तो पहले के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, येस ये लाई करेंगे सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल। चलिए सेकंड डायग्राम देखते हैं। अगेन आपके पास है एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और दूसरा ट्रेपेजियम एम एन आर एस। चलिए आर एस कॉमन बेस तो है बट पी क्यू और एस आर के बीच में एम एन नहीं आ रहा है, मतलब ये चारों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। सो मतलब ये डायग्राम ये कंडीशन को फॉलो फुलफिल नहीं करता है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो दे डोंट लाई बिटवीन सेम पैरेलल एंड हैविंग सेम बेस ओनली, दोनों एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और डायग्राम देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दीवा ने देखिए, अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और दूसरा ट्राइंगल है टी क्यू आर। अब इस केस में क्यू आर क्या होगा कॉमन बेस हो जाएगा और पी एस और क्यू आर क्या होंगे पैरेलल, मतलब दोनों कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया है, कॉमन बेस भी है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए कि यस दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग सेम बेस। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए एक और आगे डायग्राम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और एक ट्राइंगल है आर पी पी क्यू आर। अब देख सकते हैं कि ट्राइंगल का बेस पी क्यू है और इसका बेस है बी सी, बट ए बी ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगेन ये क्या हुआ कि लाई बिटवीन सेम पैरेलल बट डोंट हैव द सेम बेस, मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, दोनों कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो इट इज डोंट फॉलो द गिवन बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी था पर यहाँ पे वो सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और उसके आगे देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम, ये क्लास डायग्राम डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल है कि नहीं है इसके बारे में डिस्कस करना है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, तो देखिए यहाँ पे दो ट्रेपेजियम है अलग अलग, पहला ट्राइंगल ट्रेपेजियम है ए बी क्यू डी और दूसरा ट्रेपेजियम है आपके पास ए पी सी डी। देखिए ये दो ट्रेपेजियम है, तो देखिए अब दोनों का सेम बेस क्या होगा इस केस में, ए डी देखिए दोनों का कॉमन साइड है और बी क्यू और ए डी क्या हो जाएंगे एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे इस केस में। यहाँ पे दो अलग अलग ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे, डायग्राम थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला है तो आपको पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम देखना है तो पैरेललोग्राम भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने दो ट्रेपेजियम बता दिए, एक ट्रेपेजियम कैसे बनाया मैंने जैसे बता दिया पहले कि ए बी
क्यू डी ट्रेपेजियम और ए पी सी डी ट्रेपेजियम, तो एक ऐसा भी आप सोच सकते हैं। चलो ऐसे नहीं सोचना है तो एक अलग तरीके से सोचवाता हूँ कि आप ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम और ए पी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम, और ए डी उनकी क्या हो जाएगी कॉमन बेस, और ए पी सी क्यू एक कॉमन लाइन पे आ रहे हैं, मतलब अगेन ये कंडीशन भी क्या होगी, येस इट इज़ ट्रू। तो ये आंसर भी होगा येस इट इज़ फॉलो द गिवन बोथ कंडीशन दैट दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग सेम बेस। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन डायग्राम आपको जो दिया गया है वो कॉमन बेस या सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको आइडिया जाएगा इस कॉन्सेप्ट में कि डायग्राम के लिए आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया के रिलेटेड के हाउ वी कैन रिलेट द एरिया व्हेन वी हैव दिस कंडीशन दैट दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड द सेम पैरेलल, तो उसके बीच में हम क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।